नमस्कार दोस्तों, क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के दूसरे भाग में यूनिट डिजिट के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट, ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई भी संख्या दे दिया गया, जैसे 369 का पावर 42। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया कि इस पे इसके यूनिट डिजिट पे कितना होगा, कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 9 का आपको कौन, ये जो आपका यूनिट डिजिट का आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा। ठीक है, इसके लिए तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक का देख लेते हैं। जैसे 9 का पावर 1, 9 का पावर 1 करेंगे तो कितना आता है, 9 आता है। 9 का पावर 2 करेंगे आता है 81। फिर 9 का पावर 3 करेंगे आता है 729। फिर 9 का पावर 4 करेंगे, ठीक है, तो 9 का पावर 4 करेंगे तो 6561 आता है। तो देखिए, पहले आया 9 का पावर 1 करने पे 9, लास्ट लास्ट वाला नंबर देखिए, 9 का पावर 1 करने पे आया 9, 9 का पावर 2 करने पे आया 81, लास्ट में 1, फिर यहाँ पे 9 का पावर 3 करने पे लास्ट में 9, फिर आया 1। तो देखिए, 9 और 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी पावर दिया हुआ है उसको देखिए, 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 के इंटरवल में रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 42 को हम लोग भाग दे देंगे 2 से। ठीक है, 42 को भाग देने के बाद 2 से देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, मेरा कितना सेसफल बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेसफल कितना हो रहा है, 0। ठीक है, तो सेसफल यहाँ पे 0 होगा, हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर सेसफल मेरा 0 आ जाता है तो यूनिट प्लेस पे होगा मेरा कितना, 1। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा सेसफल अगर 1 आ जाता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे हो जाता मेरा 9। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जब अगर मान लीजिए 2 के पावर पे अगर कुछ रह जाए, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 2 4 4 2 4 2 to the power 26। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर पहले अपनाते हैं, सबसे पहले सबका पावर करके देख लेते हैं। 2 का पावर 1 करते हैं तो 2 का पावर 1 करने पे 2 आता है, 2 का पावर 2 पे 4 आता है, 2 का पावर 3 पे मेरा 8 आ गया। ठीक है, 2 का पावर 4 पे 16 आ गया, फिर 2 का पावर 5 पे 32 आ गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 इंटरवल के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी मेरा नंबर दिया हुआ है 2 2 का पावर 26, 26 को क्या करेंगे, हम लोग 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 26 को हम लोग क्या किए, 4 से भाग दे देंगे। 26 को 4 से भाग देने के बाद मेरा क्या हुआ, सेसफल कितना बच जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, सेसफल बच जा रहा है 2। तो गिनती आप लोग ऐसे स्टार्ट कीजिए, देखिए सेसफल जितना जितना बच जाएगा वहाँ से इस तरह से गिनती स्टार्ट कीजिए, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 सेसफल बच रहा है, तो 2 सेसफल पे मेरा यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, इसीलिए इसका यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 4 2 to the power 16। ठीक है, सेम प्रोसीजर अपनाते हैं, 69 divided by 4 करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है मेरा, 1, और ये मेरा बच जा रहा है 2 9, मैंने यहाँ पे मेरा जो है सेसफल 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो सेसफल 1 आने पे यहाँ पे देखिए कि सेसफल 1 आने पे मेरा यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 2 आएगा, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब 3 वाले पे देखते हैं कि 3 वाला अगर रहेगा तो उस पर क्या करेंगे, जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, 4 2 3 to the power 27। ठीक है, इसका अगर मुझे पूछा गया कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट
डिजिट जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले उसी तरह निकालेंगे, 3 का पावर 1 करते हैं आता है 3, 3 का पावर 2 करते हैं आता है मेरा 9, 3 का पावर 3 करते हैं आता है मेरा 27, 3 का पावर 4 करते हैं आता है मेरा 81, फिर 3 का पावर 5 करते हैं आ जाता है मेरा 243। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 3 फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आगे हम लोग और कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 4 इंटरवल के बाद मेरा फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 27 को आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए 4 से, मेरा कितना बच जा रहा है शेषफल, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो उसी तरह आप लोग यहाँ पे गिनती स्टार्ट कीजिए, यहाँ देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 0। ठीक है, तो 3 शेषफल वाला यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अब आते हैं यूनिट डिजिट जब मेरा 4 हो, तो यूनिट डिजिट अगर मेरा 4 हो, यूनिट डिजिट एट 4, इस पर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 2 6 4 to the power 79। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर फिर से अपनाते हैं, 4 to the power 1 करते हैं, 4 to the power 1 करने पे मेरा आता है 4, 4 to the power 2 करने पे मेरा आता है 16, 4 to the power 3 करने पे मेरा आ गया कितना, 64। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होने लगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से ना भाग दे के, 79 को 4 से ना भाग दे के इस पर 2 से भाग देंगे। तो देखिए 2 से अगर भाग देने पे यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ नंबरिंग स्टार्ट कीजिए आप, 1 यहाँ 0, 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, इसलिए यूनिट डिजिट पे मेरा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो क्या करेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 5 हो, यूनिट डिजिट एट, ठीक है, तो 5 के यूनिट डिजिट पे देखते हैं, जैसे 2 6 5 to the power 28। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसीजर अपनाते हैं, 5 to the power 1 करते हैं तो 5 आता है, 5 to the power 2 करते हैं तो 25 आता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे गौर कीजिए कि आप 5 का कितना भी पावर कीजिए, हर बार क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे मेरा 5 ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 5 के ऊपर मेरा कितना भी पावर रहे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिना कुछ किए हुए यहाँ पे 5 लिख देंगे यूनिट प्लेस पे। ठीक है, अगर मुझे पूछा जाएगा कि इसका यूनिट प्लेस पे कितना होगा, तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, इसी तरह सेम आपका यूनिट प्लेस है 6 भी होता है। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर आप मान लीजिए यूनिट डिजिट अगर 6 रहा तो क्या कीजिएगा। ठीक है, जैसे 2 6 to the power 79। ठीक है, यहाँ पे अगर रहा, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सेम प्रोसीजर अपनाइए, 6 to the power 1 कीजिए तो 6 आएगा, 6 to the power 2 कीजिए तो यहाँ 36 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 6 का कितना भी पावर कीजिए, हर बार यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, आपका 6 आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं कि ये था 6 के लिए। अब मान लीजिए कि मेरा यूनिट प्लेस अगर एट 7 अगर रह गया तो क्या करेंगे। ठीक है, जैसे 67 to the power 67, ये मेरा आ गया और इसका यूनिट प्लेस मेरा पूछा गया, इसका यूनिट डिजिट मेरा जो है पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वही प्रोसेस अपना के देख लेते हैं, 7 to the power 1 करते हैं पहले, 7 आ रहा है मेरा, 7 to the power 2 करते हैं मेरा कितना आ जाएगा, 49 आएगा, 7 to the power 3 करते हैं कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा, फिर 7 to the power 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा,
2401 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, और इसके बाद आगे अगर आप फिर से कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुने अगर सात करके देख लीजिए, पावर पाँच में आप गुने सात करके देख लीजिए, तो लास्ट में मेरा कितना आएगा, सात ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि चार इंटरवल के बाद फिर से रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो चार इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो पावर दिया हुआ है यहाँ पे 67, इसको हम लोग भाग कर देंगे चार से, उसके बाद देखेंगे कि रिमाइंडर मेरा कितना बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है, थ्री बच रहा है। तो थ्री रिमाइंडर पे देखिए आप कौन सा यूनिट प्लेस आएगा, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो ये एक रिमाइंडर पे सात आएगा, दो रिमाइंडर पे नौ आएगा, तीन रिमाइंडर पे तीन आएगा, इसीलिए मेरा क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस पे कितना हो जाएगा, थ्री होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि अगर यूनिट प्लेस मेरा आठ रहा तो क्या करेंगे हम लोग। अगर यूनिट प्लेस पे मेरा आठ अगर रहेगा तो क्या करेंगे हम। ठीक है, यूनिट प्लेस आठ पे क्या करेंगे, जैसे 28 to the power 28 करते हैं। ठीक है, इसमें अगर मुझे पूछा गया कि यूनिट डिजिट कितना हो, ठीक है, इसमें मेरा यूनिट डिजिट कितना हो। ठीक है, तो हम लोग सेम प्रोसीजर यहाँ पे अपनाते हैं, आठ का पावर एक करते हैं तो आठ आता है मेरा, आठ का पावर दो करते हैं मेरा आता है कितना, 64। आठ का पावर मेरा तीन करते हैं कितना आ जाता है मेरा, आठ का पावर तीन करने पे 512। आठ का पावर चार करने पे 4096। फिर यहाँ पे देखिए, आठ का पावर अगर पाँच करने जाइएगा आप, तो यहाँ पे गुने आठ करके देख लीजिए, तो देखिए 8 6 48, लास्ट में आठ ही आएगा आपका। तो देख यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हर एक चार इंटरवल के बाद क्या हो जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर को जो है चार से भाग दे देंगे, चार से भाग दे देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो, सेसफल जीरो आ जा रहा है। ठीक है, तो सेसफल जीरो पे यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये एक रिमाइंडर पे आता है, ये दो पे, ये तीन पे, ये मेरा शून्य पे। ठीक है, तो शून्य पे मेरा कितना आएगा यूनिट डिजिट, छः आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा छः। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बना के दे देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस नंबर में आपको कौन कौन से नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा यूनिट डिजिट लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है कोई भी पावर रहने पे, यूनिट डिजिट डज नॉट चेंज। ठीक है, तो यूनिट डिजिट किसके किसके पावर पे चेंज नहीं होता है, एक एक के पे नहीं, एक पे नहीं होता है, ठीक है, पाँच पे नहीं होता है, छः पे नहीं होता है। ठीक है, ये तीनों संख्या पे आप कितना भी पावर कर दीजिए, इसका यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट वही का वही रह जाएगा। जैसे एक का पावर हम लोग कुछ भी देंगे तो एक ही आएगा, पाँच का पावर हम लोग कुछ भी देंगे तो लास्ट में कितना आएगा, फाइव ही आएगा, छः का पावर हम लोग कुछ भी देंगे तो लास्ट में कितना आएगा, छः ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं जिसका जिसमें हमको चार से भाग देना है, वेन वी हैव टू डिवाइड द पावर बाय फोर। ठीक है, चार से हमको कब कब भाग देना पड़ेगा। ठीक है, एक आपको तीन के केस में देना होगा, एक सात के केस पे देना होगा, एक आठ के केस पे देना होगा, एक नौ के केस पे देना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एक और नंबर बच गया मेरा चार। ठीक है, वेन वी हैव टू डिवाइड द पावर बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि कब हम लोग दो से हम लोग भाग देंगे, तो केवल इसमें चार का जो एक केस आता है इसमें हम लोग दो से भाग देंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है आरआरबी में आ चुका है वो आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है,
जैसे कि एक क्वेश्चन है दिया हुआ यहाँ पे कि 264 टू द पावर 102 प्लस 264 टू द पावर 103। इसमें मुझे पूछा गया कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट। यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आप लास्ट में कितना है यूनिट प्लस पे मेरा कितना 4 है। तो 4 का आप देखिए, 4 के केस में मेरा क्या करना पड़ रहा है, 2 से भाग करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पावर को 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ पे भी लास्ट में 4 है तो 4, तो ये पावर को हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा मेरा 1, ठीक है, ये आ रहा है मेरा रिमाइंडर, रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 रिमाइंडर आने पे मेरा कितना लेंगे हम लोग, तो देखिए 0 रिमाइंडर आने पे मेरा कितना आता है, मेरा 6 आता है। एक रिमाइंडर आने पे कितना आ जाएगा, मेरा 4 आएगा। तो देखिए 6 और 4 को आप जोड़ के देखिए तो 6 और 4 मिलके मेरा होता है 10। तो 10 हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों, 10 ऐसे लिखाता है, ठीक है। तो 10 के यूनिट प्लेस पे देखिए आप कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 0, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, जैसे कि 3547 का पावर 153 गुना 251 पावर 72, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 7 है, लास्ट में 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 के केस में देखिए, यहाँ पे आप ऊपर में देखिए, यहाँ पे 7 के केस में मेरा क्या करना पड़ता है, पावर को 4 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे हम लोग, 153 को हम लोग भाग देंगे 4 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए शेषफल कितना बच जाएगा मेरा, तो शेषफल देख लेते हैं कितना बच जा रहा है। तो यहाँ 3, यहाँ शेषफल मेरा बच जा रहा है 1, ठीक है, शेषफल यहाँ पे बच जा रहा है 1, ठीक है। तो एक शेषफल अगर आए तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ मेरा रिमाइंडर बच जा रहा है 1। तो जब रिमाइंडर अगर मान लीजिए मेरा 1 आ जा रहा है, तो हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, हम लोग लेंगे 7, ठीक है, गुना यहाँ पे देखिए 1 का पावर 72 है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर में ही लिख दिया था मैंने कि जिसका कोई चेंज नहीं होता है 156, ठीक है, इसका आप कितना भी पावर कर दिए वही संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का पावर मैंने 72 किया तो मेरा कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 आ गया, तो 7 एकम 7, तो इसका आंसर आ गया 7, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ दोस्तों, ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 6374 इसका पावर दिया हुआ है 1793 गुने में 625 का पावर 317 गुना 341 का पावर 491, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4, ठीक है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का क्या होता है, हर एक दो इंटरवल पे मेरा चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1793 को हम लोग भाग दे देंगे 2 से, तो रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक रिमाइंडर पे मेरा यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, मेरा 4 आएगा, ठीक है, गुने देखिए 5 का पावर कितना भी करेंगे मेरा कितना आता है, 5 ही आता है यूनिट डिजिट पे, ठीक है, ये मेरा 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 का पावर कितना भी करेंगे मेरा 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं, आप गुना कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो रहा है, 5 6 का 20, ठीक है। तो 20, तो 20 20 20 का देखिए यूनिट डिजिट पे कितना है आपका, 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा 3 का पावर 65 गुने में 6 का पावर 59 गुने में 7 का पावर 71, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए
तीन का पावर 65 आ रहा है। तो तीन का देखिए हर एक चार इंटरवल पे चेंज होता है मेरा, तो यहाँ पे 65 का भाग दे दिए चार से, शेषफल मेरा कितना बच जा रहा है, एक बच जा रहा है। ठीक है, तो शेषफल एक बचने पे मेरा कितना आता है, मेरा यूनिट यूनिट प्लेस पे मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 का पावर आप कितना बार कितना भी कीजिए, यूनिट डिजिट पे मेरा कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर 7, तो देखिए 7 का भी क्या होता है, हर एक चार इंटरवल पे चेंज होता है मेरा। तो 71 को आप भाग दे दिए मेरा कितना से, 4 से। ठीक है, तो 71 को आप अगर भाग दे दीजिएगा 4 से, तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा, मेरा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल अगर मेरा 3 आ जाता है, तो आप देखिए कि कितना मेरा यूनिट डिजिट पे मेरा कितना लेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट पे मेरा आ जाएगा मेरा 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, सबको गुना कर दीजिए। तो यहाँ 6 3 18, अब गुना 3, तो 18 3 मेरा कितना हो जा रहा है, 54। ठीक है, तो लास्ट में मेरा कितना हो जा रहा है, 4। तो यूनिट प्लेस में मेरा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ कुछ बुक्स का नेम भी दिया गया है। ठीक है, ये उम्मीद रखता हूँ कि ये सारे बुक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।